केरला केरला। और यूक्रेन में आप कहाँ रहते थे? लिविव में। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पे? पढ़ता हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट। ये आप इसको साथ में लेके आए हैं? हाँ हाँ। यूक्रेन में वहाँ भी आपके साथ रहता था? नहीं नहीं ये मेरा दोस्त का कुत्ता है, मैं इसके वो इंडिया में था ऑलरेडी, तो अच्छा। मैं यूजुअली सब लोग उसको कुत्तों को छोड़ के आए थे, तो मैंने इसको साथ में लेके आया। अच्छा, किसको छोड़ के आए थे वो लोग? लाइक बाकी भी कुत्ते हैं ना दोस्तों का, तो बाकी लोग ने छोड़ के गया था। अच्छा, बट मैं इसको लेके आया। अच्छा, तो अब ये क्या नाम है इसका? नीला 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 नीला। आई स्टडी 6th ईयर मेडिसिन। ओके, व्हाट इज दिस? इट्स माय कैट। ओके, व्हाट्स हर नेम? इट्स हर नेम इज ग्रे। हाउ लॉन्ग शी इज विद यू? शी इज विद मी फॉर 4 मंथ्स। ओके, सो हाउ आर यू कनेक्टेड विद यू टू देखिए मानवीय संवेदनाएं हैं, जब अटैचमेंट हो जाता है तो प्राणी मात्र से अटैचमेंट होता है। जिन लोगों के साथ उनके डॉग थे या फिर कैट थी, यानी कि कुत्ता बिल्ली जो साथ में थे, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो भी आए हैं तो स्वागत योग्य है। और हमारा तो ये नेचर भी है भारतीयों का। अभी एक बच्चे ने, जो मूलतः देहरादून का रहने वाला है, कल वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था उसके बाद, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा डॉग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लास्ट में उनको भी डॉग लाने की परमिशन मिल गई है। तो इस तरह से जो मानवीय संवेदनाएं हैं, और इस समय ये सारा कार्यक्रम जो है मानवीय संवेदनाओं पर है। आप देख रहे हैं कि संवेदनशीलता है प्रधानमंत्री जी की, कि एक मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कितने बच्चे रह गए, कितने आ गए, कितने रुके हैं। तो ये संवेदनाओं को भुलाया नहीं जा सकता है, ये एक इतिहास बन गया है, ये यादगार क्षण होते हैं और यादगार बन गई है।